हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगा कि क्रिसैंथेमम को, गुलदाउदी को कैसे सेव करें नेक्स्ट ईयर के लिए। मैंने अभी एक और वीडियो बनाई थी सेव करने के लिए क्रिसैंथेमम को, पर उसमें कुछ जानकारी नहीं दे पाया। फ्रेंड्स, क्रिसैंथेमम बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है विंटर्स का, और इसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। बहुत ही तरीके के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की आती है क्रिसैंथेमम। तो जब इसका सीज़न एंड हो जाए, जैसे कि अब मार्च स्टार्ट होने वाली है, फरवरी का एंड ही है, आज 17 डेट हो गई है फरवरी की, तो अब जब मार्च स्टार्ट होगी तब तक तो धूप भी अच्छी खासी निकलने लगेगी। तो फ्रेंड्स, अब इसकी फ्लावरिंग तो बंद हो गई है, अब आप इसके सीड्स, फ्लावर्स के जो सीड्स हैं वो आप निकाल सकते हैं, वो भी मैं वीडियो बना के बताऊंगा आपको। कुछ क्रिसैंथेमम में सीड्स आते हैं, किसी किसी में नहीं आते हैं। वैसे ज़्यादातर क्रिसैंथेमम में सीड्स नहीं होते हैं, पर कुछ दो तीन प्रजातियां हैं क्रिसैंथेमम की जिसमें सीड्स आते हैं, और बाकी ये कटिंग से ही ग्रो होती है। और जब कोई चीज़ कटिंग से ही अच्छी ग्रो हो जाती है तो सीड से ग्रो करने का फ़ायदा क्या। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप की फ्लावरिंग बंद हो गई है क्रिसैंथेमम के प्लांट की, किसी किसी में अभी भी आ रही है बट्स, क्योंकि उनके स्टेट का टेम्परेचर कुछ डाउन होगा, वहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं आती होगी इसलिए फ्लावरिंग हो रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप की जिसके फ्लावरिंग बंद हो गई हो तो इसकी कटिंग कर दें। ये ऐसी ब्रांचेस हैं जो फ्लावरिंग दे चुकी हैं, उन्हें हटा दें। और अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, ज़्यादा आपकी ग्रीन और अच्छी ब्रांचेस हैं तो आप नहीं हटाना चाहते, तो ऐसी गंदी लीव्स और फ्लावर्स बर्ड्स उन्हें हटा दें। और इसके जो नीचे गंदगी जो भी भरी है इसे हटा के इसमें चाय पत्ती या फिर गोबर खाद डाल दें, थोड़ी, बहुत ही थोड़ी सी डाल दें, और इसकी गुडाई कर दें। और अगर ग्रीन ग्रीन फंगस आ रही हो तो उसे हटा दें, और इसे ज़्यादा छाँव में ही रखें। धूप अगर इसे ज़्यादा लगेगी तो ये जल जाएगा, पौधा ख़राब हो जाएगा। आप इसे छाँव में रखें और इसे कम से कम पानी दें, जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो तभी पानी दें। ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तेज़ धूप में ना रखें, नॉर्मल धूप में रखें इसे, और जितनी लीफ हो सके कम कर दें अभी, क्योंकि आप चिंता ना करें, ऐसी नीचे से स्टार्ट हो जाएंगी लीव्स निकलना। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, पूरे की हो चुकी है। और मैंने कुछ दूसरी वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वो मैंने कुछ बैग्स में कर दी हैं, क्योंकि मेरे हर गमले में गुलदाउदी थी, हर तरह की गुलदाउदी है मेरे पास। तो आप बैग्स में भी कर सकते हैं, और जगह नहीं है आपके पास, आप इस टाइम गर्मियों के फ्लावर्स लगाना चाहेंगे, सनफ्लावर या फिर और भी तरीके के प्लांट्स हैं, जैसे क्रॉटन इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं अपने पॉट्स में, तो इसे पैकेट में कर दें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तभी मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि पैकेट सेव कर लिया करें, फेंका ना करें। जिस पैकेट में प्लांट लगा हो उसे रख लें नर्सरी से लाने के बाद, क्योंकि आप उसमें कटिंग्स लगा सकते हैं और अपने प्लांट सेव कर सकते हैं। आइए आपको दूसरा प्लांट दिखाता हूँ मैं अपने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे टेरेस पे है, जो मैंने कटिंग्स सारी रख ली हैं इसमें पैकेट्स में पैक करके। ये देखिए, ये सब अलग अलग तरीके की गुलदाउदी हैं, क्योंकि मैं जब इनका सीज़न आएगा तो मैं तुरंत ट्रांसफ़र कर दूंगा पॉट्स में, मैं चेंज करता रहता हूँ पॉट्स, और फिर इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, और गोबर खाद को कंप्लीट मिलाता रहता हूँ पॉट में, बहुत चेंज करता हूँ हर सीज़न में, इससे मिट्टी की सफाई भी हो जाती है अंदर, जैसे उसमें कभी मिट्टी में कोई अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचे, नीचे गोबर खाद नहीं मिलाई है, तो हर बार मिलाता हूँ पूरी मिट्टी निकाल के, सारी एक सी मिट्टी डाल के, गोबर खाद और DAP हल्की सी मिला देता हूँ, और NPK तो मैं फ्लावरिंग वाले प्लांट में ज़रूर मिलाता हूँ, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स, आप इसे धूप में तो बिल्कुल ना रखें, धूप में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी,
आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे सुबह की धूप पड़ती हो। मेरे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की धूप पड़ती है और वो बहुत अच्छी ग्रोथ चलती है उनकी। इसलिए फ्रेंड्स, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी प्लांट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं प्लांट से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पेट से रिलेटेड भी तो अभी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।